नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। आईपीएल सीजन 17 की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं आरसीबी ने अपने खेमे में एक बड़ा बदलाव किया है। कई दिनों पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीबी अपने हेड कोच संजय बांगड़ और टीम डायरेक्टर माइक हसन को उनके पद से बर्खास्त करने वाला है। वहीं अब इस बात पर मुहर लग चुका है और इसकी जगह कौन लेगा ये भी पक्का हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि जिस पूर्व खिलाड़ी को आरसीबी ने बतौर कोच चुना है वो पिछले साल तक किसी और आईपीएल टीम के कोच थे। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो शख्स जिसे आरसीबी ने अपना नया कोच नियुक्त किया है। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ऐसी टीम है जिसमें कई महान खिलाड़ी हैं और कई आए और गए, मगर किसी ने भी अब तक आरसीबी को 16 साल के इतिहास में चैंपियन नहीं बना पाया। शायद यही वजह रही कि उसने इस बार एक ऐसे पूर्व खिलाड़ी को अपने टीम का हेड कोच बनाया है जिसका बतौर कोच काफ़ी शानदार रिकॉर्ड। तो इस कोच का नाम है एंडी फ्लावर। एंडी फ्लावर बतौर कोच काफ़ी सफल रहे हैं। उन्होंने कई अलग अलग टूर्नामेंट में बतौर कोच अपनी टीम को चैंपियन बनाए हैं, जिसमें एसएस सीरीज़ का भी नाम आता है। दिलचस्प बात यह है कि एंडी फ्लावर 2 साल से लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच थे, जिनके अंडर टीम दोनों साल प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाई। वहीं 2024 के आईपीएल से पहले फ्लावर ने एलएसजी से अपना करार तोड़ लिया है और उनकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी जस्टिन लैंगर को मैनेजमेंट ने कोच नियुक्त किया है। एंडी फ्लावर के बारे में आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट जारी करते हुए लिखा है कि हम आईसीसी हॉल ऑफ फेम और इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच एंडी फ्लावर का आरसीबी की पुरुष टीम के हेड कोच के रूप में स्वागत करते हैं। आईपीएल और दुनिया भर की कई T20 टीमों को कोचिंग देने और अपनी टीमों को PSL, IL T20, द 100 और अबूधाबी T10 में खिताब दिलाने का एंडी का अनुभव आरसीबी को खिताब दिलाने में मदद कर सकता है। उनके जीतने की मानसिकता से आरसीबी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वहीं आरसीबी के पूर्व कोच संजय बांगड़ और पूर्व टीम डायरेक्टर को लेकर भी सोशल मीडिया पर आरसीबी ने लिखा है कि हम माइक हसन को टीम डायरेक्टर और संजय बांगड़ को बतौर कोच उनके कार्यकाल के दौरान उनके सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रोफेशनलिज्म और वर्क एथिक्स को हमेशा सम्मान के साथ देखा गया। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने कई युवाओं को सीखने और सफल होने के लिए मंच दिया। अब जब उनका और टीम का साथ छूट रहा है तो हम संजय और हसन को उनके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि एंडी फ्लावर के गाइडेंस में आरसीबी अपना पहला खिताब जीत पाता है या फिर नहीं। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट की हिस्ट्री। धन्यवाद।